एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, देन प्रूव दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो देखो टू लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है आपको, जो क्या है बिल्कुल पैरेलल है। और लिखा हुआ भी देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल कहाँ आएगी, ट्रांसवर्सल आएगी आपके पैरेलल लाइन पर। तो यहां पर हम लिखते हैं देखो, पैरेलल लाइन पर एक क्या दे रखा आपके, ये दे रहे, इधर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अन चाहो तो आप इधर भी लाइन ड्रॉ कर, जिधर मर्जी है उधर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी लाइन है, मान लो कि इधर का नाम है एम, इधर का नाम है एन, और इस लाइन को हम क्या कह सकते हैं, एल कह सकते हैं। ये एंगल आपका कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये वाले दोनों एक ही साइड के, दोनों ऊपर वाले। अब ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए बाइसेक्टर ऑफ पेयर, बाइसेक्ट करना है, किसका बाइसेक्ट करना है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब हमें इसका क्या करना है, बाइसेक्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। एक एंगल हमारा ये हो गया, इसको हमें करना है बाइसेक्ट, एक एंगल हमारा ये हो गया, इसको करना है आपको बाइसेक्ट करना है। तो बताना है कि वो जो बाइसेक्ट किया है वो दोनों लाइनें पैरेलल है या नहीं, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन तो ऑलरेडी आपके पैरेलल है, प्रूव करना है कि ये भी क्या है आपके, पैरेलल है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन, गिवन क्या है, एम पैरेलल टू एन, एंड एल क्या हो गया अभी आपके, एल इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या है आपके, ट्रांसवर्सल लाइन है एल। तो अब अगर आप एंगल का नाम लिखें यहाँ पर, तो एबीसीडी लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल बी है, ऐसे आप एंगल मान लो डायरेक्ट ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल एंगल बी, ये आपके दे रखा है। देखो हमें क्या करना है, प्रूव करना। अब यहाँ पर लाइनों के नाम लिखो, मान लो कि इस लाइन का नाम है पी लाइन और इस लाइन का नाम है आपके क्यू लाइन, दो लाइन है, हमें करना है प्रूव करना है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि पी लाइन पैरेलल टू क्यू लाइन, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सिंपल है, मैंने पहले ही बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कुछ भी इक्वल कर दो, लाइन क्या हो जाएगी आपके, पैरेलल हो जाएगी। तो हम चलते हैं यहाँ पर प्रूफ में, और क्या गिवन था आपके, और ये बाइसेक्टर है यहाँ पर, मतलब पी और क्यू क्या है, बाइसेक्टर है। तो चौथ यहाँ पर लिख सकते हो, पी एंड क्यू बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ये लाइन भी यहाँ पर लिख देना कि पी ए का बाइसेक्टर है और क्यू बी का क्या है, बाइसेक्टर है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एंगल ए और एंगल बी बराबर क्यों है बताओ, कारण क्या है बराबर होने का, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ही कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग क्यों बराबर, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि एम पैरेलल है आपके एन के। जब भी टू लाइन पैरेलल होती है तो दोनों एक ही साइड के ऊपर वाले एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, तो हम कारण लिख सकते हैं यहाँ पर, हम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, पूरा एंगल इक्वल है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, एंगल को हाफ करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर पी एंड क्यू आर बाइसेक्टर, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैं अगर यहाँ पर नंबर लगाता हूँ कि मान लो कि ये आपका एंगल नंबर 1 है, इधर वाला ले सकते हो, और ये आपका एंगल नंबर 2 है, तो इसका बाइसेक्टर है, मतलब हो गया कि एंगल ए का हाफ करेंगे, एंगल ए का क्या करेंगे हम, हाफ, तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल नंबर 1 मिलेगा, ये ऊपर वाला। और अगर मैं एंगल बी का हाफ करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल नंबर क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। अगर मैं बी का हाफ करूँगा तो ये मिलेगा, और एक हाफ आप चाहते दोनों में से किसी एक का नाम लिख देना। अगर मैंने इधर इसका नाम लिखा 1 का ऊपर वाले का, तो इधर भी मुझे ऊपर वाले का ही नाम लिखना है, ये थोड़ा प्रूफ वाला है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। या तो दोनों ऊपर वाले नाम दो, या दोनों ही नीचे वाले नाम दो, जो मर्जी है वो आप दे सकते हो, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ऊपर वाले मैंने नाम दे दिए। एंगल 1 का मतलब हो गया एंगल ए का हाफ, एंगल 2 का मतलब हो गया एंगल बी का हाफ। अब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है,
हमारे पास क्या पॉइंट गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है आपके इक्वल है, इसमें क्या करो आप 2 का डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही 2 का डिवाइड करेंगे तो ए का हाफ क्या होगा एंगल नंबर 1, बी का हाफ क्या होगा एंगल नंबर 2, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। और इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साइड के हैं। अब यहां पर ध्यान देखना, लाइन क्या थी पैरेलल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए थे इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए हैं इक्वल, तो लाइन क्या हो जाएगी आपके पैरेलल, लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल। ये थ्योरम है, थ्योरम नहीं तो इसमें लाइन भी दे रखी है आपके, वो है आपका एक्ज्यूम 6.4 है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपके इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी।